दज्जाल का हुलिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसे नहीं भेजे गए जिन्होंने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से न डराया हो। सुनो, बेशक वो काना होगा और तुम्हारा रब यकीनन काना नहीं है और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफर लिखा होगा। दूसरी जगह है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल दाईं आँख से काना होगा, इसकी आँख ऐसी होगी गोया पिचका हुआ अंगूर। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल बाईं आँख से काना होगा, घने और बिखरे बालों वाला होगा और इसके साथ जन्नत और आग होगी, बस इसकी आग दर हकीकत जन्नत होगी और इसकी जन्नत आग होगी। दज्जाल के बालों के बारे में फतह अल बारी में बालों की ज्यादती और उलझे हुए होने की वजह से इसका सर इस तरह नज़र आता होगा गोया किसी दरख्त की शाखें हैं। मुस्लिम शरीफ की दूसरी रवायत में है कि दज्जाल की एक आंख बैठी हुई होगी जैसे किसी चीज़ पर हाथ फेंक कर इसको पिचका दिया जाता है और दूसरी आंख पर मोटा दाना होगा, फली होगी। इसकी आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जो हर मोमिन ख्वा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ इसको पढ़ लेगा। मसनद अहमद की रवायत में ये भी है कि इसके साथ दो फरिश्ते होंगे जो इसके साथ दो नबियों की सूरत में होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो उन नबियों के और उनके बापों के नाम भी बता सकता हूँ। उनमें से एक इस दज्जाल की दाएं तरफ होगा, एक बाएं तरफ। ये आजमाइश होगी। दज्जाल कहेगा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं ज़िंदा नहीं कर सकता? क्या मैं मौत नहीं दे सकता? तो एक फरिश्ता कहेगा, तू झूठा है। फरिश्ते की इस बात को दूसरे फरिश्ते के अलावा कोई और इंसान वगैरह नहीं सुन सकेगा। तो दूसरा फरिश्ता पहले वाले से कहेगा, तूने सच कहा। इस दूसरे फरिश्ते की बात को सब लोग सुनेंगे और ये समझेंगे कि ये दज्जाल को सच्चा कह रहा है। ये भी आजमाइश होगी। दज्जाल की आँखों के बारे में कई रवायत आई हैं। कहीं इसको दाईं आँख से काना कहा गया, कहीं बाईं आँख से। इस बारे में मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब मुद्दाज़िल्लाहुम अली अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह में फरमाते हैं, खुलासा ये है कि इसकी दोनों आँखें ऐबदार होंगी। बाईं आँख ममसू बेनूर बिछी हुई और दाईं आँख अंगूर की तरह बाहर निकली होगी। मौजूदा दौर में मुख्तलिफ कंपनियों के निशानात लोगोज में आपको एक आँख नज़र आती है। कहीं ये एक आँख बिल्कुल सफ़ेद है जैसे चमकता हुआ सितारा, कहीं इस आँख का सब्ज़ रंग दिखाया जाता है जैसे सब्ज़ शीशा। क्या ये महज इत्तफाक है कि ये कंपनियाँ एक ऐबदार आँख को अपनी कंपनी का निशान बनाती हैं, या अभी से दुनिया को इस ऐबदार आँख से मानूस किया जा रहा है? ने सब को एक आँख से देखने का मुहावरा भी तकरीबन हर जबान में मौजूद है, जो सबको बराबरी के हुकूक देने के लिए इस्तेमाल होता है। दज्जाल के वक्त भी बहुत से लोग जो अपना ईमान डॉलर और दुनियावी हुस्न के बदले बेच चुके होंगे, जिन्होंने ईमान को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर लिया होगा, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर कटने के बजाय दज्जाल की ताकत के सामने सर झुका दिया होगा, तो वो उस कुफर को नहीं पढ़ पाएंगे बल्कि इस वक्त उसको मसीहा और इंसानियत का नजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे। इसके लिए दलाइल ढूंढ कर ला रहे होंगे। दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को गुमराह कहा जा रहा होगा, फिर भी इनका अपने बारे में यही दावा होगा कि वो मुसलमान हैं, हालांकि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना होगा। ये सब इसलिए होगा कि इनकी बदआमालियों और शिकावत कल्बी के बायस इनकी ईमानी बसीरत ख़त्म हो चुकी होगी।